बहुत ऐसे गोलू गोलू क्यूट क्यूट बच्चा थी जो सबसे छोटी थी और मुझे एज अ बॉल ऐसे खिंचाता नहीं चल रही, मुझे डॉगी चाहिए, पर मेरे पापा ने कभी ऐसे हाँ नहीं बोला. हेलो मोटो, हाय मैं हूँ येशा रुगानी और आज मैं सास बहू और बेटिया के साथ करने वाली हूँ अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें. फर्स्ट थिंग, मेरा अलार्म को बंद करती हूँ, स्नूज करती हूँ राधा. फर्स्ट ऐप दैट आई चेक इज व्हाट्सएप, कि कॉल टाइम में कोई चेंजेस तो नहीं हुए. फर्स्ट ब्रोकन बोन तो मुझे याद नहीं है, बट फर्स्ट स्टिचेस याद है मुझे. यहाँ पे सर पे लगे थे मुझे, मैं खेल रही थी मेरे नेबर्स के साथ और ऐसे मतलब मैं सबसे छोटी थी और मुझे एज अ बॉल ऐसे खिंचाता नहीं चल रही थी और मुझे बेड का जो एक कोना है वुडन कोना वो लग गया था, सर फट गया था. इट वॉज़ वेरी वेरी बैड और मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई थी, तो वो मुझे याद है. फर्स्ट फॉरेन कंट्री दैट आई एवर विजिटेड वॉज सिंगापुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या आई थिंक इट वॉज सिंगापुर. फर्स्ट टाइम ऑन अ प्लेन आई रिमेंबर, एक्चुअली आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम बॉम्बे टू राजकोट और तब जेट एयरवेज की फ्लाइट थी और जेट किड्स की ऐसे बैग दी थी मुझे और तब तो ऐसे बच्चों को बहुत सारी गुडीज़ मिलती थी ना, सो ऐसे कोई बुक थी, कलरिंग बुक एंड सो मेनी थिंग्स. सो इट वॉज माई अलोन फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट वॉज अलोन फ्लाइट. No, I went with my uncle and my aunt and I came back alone from Bombay to Rajkot. तो वो ऐसे बहुत अच्छा था, देव पैम्परिंग मी ना, छोटा सा बच्चा अकेला जा रहा है ट्रैवल करके, तो ऐसे और मैं बहुत ऐसे गोलू गोलू क्यूट क्यूट बच्चा थी जो क्यूट तो खैर अभी भी हूँ. फर्स्ट मेकअप आइटम, लिप बाम को मेकअप आइटम मानेंगे हम. तो वही था. आई हैव नेवर बीन फॉन्ड ऑफ मेकअप. मुझे याद है कि जब कॉलेज में मैं गई ना तो मैंने काजल लगाना शुरू किया था, दैट वॉज माई फर्स्ट ऑफिशियल मेकअप यूजेज ऑन डेली बेसिस, काजल और लिप बाम जो मैं लगाती थी और मुझे ज़्यादा कुछ पसंद ही नहीं था. उसके बाद आई थिंक मेरे हाउस वार्मिंग में, मतलब आई वॉज अराउंड 22-23 तब मैंने ऐसे फुल मेकअप किया था और एक इससे पहले एक आध बार शूट पे. और नवरात्रि में छोटी थी तब काफ़ी कुछ मम्मी कर देती थी, खुद से कब किया वो तो मैं वो बता रही हूँ कि आई हैव नेवर बीन फॉन्ड ऑफ मेकअप, अब तो खैर आदत है. फर्स्ट कार वॉज एक्चुअली गिफ्टेड बाय माई मम एंड डैड, जो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो मेरी है वैसे, मतलब माई कार ऐसे. तो जब मुझे मेरा फर्स्ट शो मिला था इंडस्ट्री में तो तब मुझे मम्मी पापा ने गुजरात से मेरे लिए गाड़ी भेजी थी, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ. पर उससे पहले भी स्कूल डेज में अब मैं 18 टर्न हुई और मुझे तुरंत एक गाड़ी मिली थी, बट दैट वॉज डैडीज अनदर कार, बट ये वाली मैं फर्स्ट कार बोलूँगी क्योंकि ये मेरी थी. सेलिब्रिटी क्रश, बचपन में तो सलमान खान एंड करिश्मा कपूर एक्चुअली. लोलो कुकिंग एक्सपीरियंस, क्या बनाया था, मैगी बनाई होगी ऐसा मुझे लग रहा है. फर्स्ट एक्सपीरियंस तो वही रहा होगा. वॉज मोटो रेजर V3i. हेलो मोटो, वो भी 18 साल हुई तभी मुझे मिला था और वैसे फ्लिप करती थी मैं खटाक ऐसे, मुझे याद है बहुत ऐसे स्टाइल मारती थी. अब अभिषेक बच्चन उसको प्रमोट करता था, सिल्वर कलर का था, आई रिमेम्बर. फर्स्ट डेट तो आई थिंक एक मूवी डेट थी, रॉक ऑन पिक्चर, दैट आई रिमेम्बर द मूवी. रॉक ऑन आए कितने साल हुए सोचो ज़रा आप. हाँ तो आई थिंक मैं आई वुड हैव बीन अराउंड 16-17, तो दैट्स व्हेन इट वाज. फर्स्ट जॉब वॉज एक्चुअली, इफ़ यू कंसिडर इंटर्नशिप्स, देन माई फर्स्ट इंटर्नशिप वॉज विथ जूस मैगजीन. इट वॉज अ मैगजीन बाई जबोंग, वहाँ पर मैं एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन इंटर्न, फैशन राइटर मैं ज्वाइन हुई थी और तभी मैं फर्स्ट स्टाइपेंड आई थी, तो मैं उसी फर्स्ट जॉब बोलूँगी. सो आई रिमेंबर आई गॉट माई फर्स्ट स्टाइपेंड, आई एम लाइक 5,000 रुपीज़. पेट,
माई फादर नेवर अलाउड मी टू हैव अ पेट इन माई हाउस, पर मैंने बहुत रो रो के फिशेज ले आई थी. मैं ऐसे पॉट में बोल में रखा था और फिर fishes died and then my father was very angry. I told you we don't want any pets in the house. मैं बचपन से ही वैसे Santa Claus को भी और पापा को भी मांगती थी मुझे डॉगी चाहिए, पर मेरे पापा ने कभी ऐसे हाँ नहीं बोला. First and only tattoo is on my ankle. It is actually an inverted triangle and it means water. तो पानी की तरह. ये बनवाया था 2017 में 18 में. फर्स्ट टॉय नहीं, ये ऐसी बात है ना कि टॉयज़ तो मुझे पता है कि मेरी एक डॉल हुआ करती थी, बट टॉयज़ से ज़्यादा मेरा लगा हुआ करता था, अभी भी है, वो है शॉल से. मेरी शॉल ही मेरा टॉय है. उसे मैं अलग अलग शेप बनाती हूँ, ऐसे ऐसे मोड़ तोड़ के कुछ बनाती हूँ, पहन लेती हूँ. बचपन में उससे साड़ी पहनती थी, गाउन पहनती थी, ऐसे टाई करके डिफरेंट डिफरेंट ड्रेप्स. माई शॉल हैज़ बीन विथ मी, मतलब बदलती रहती है पर शॉल है कॉन्स्टेंट. लंबे समय तक एक ही यूज़ करती थी मैं, फिर वो ऐसी गंदी हालत में थी तो फिर चेंज की हमने, बट दैट इज स्टिल देयर विथ मी. फर्स्ट मूवी दैट आई रिमेंबर सीइंग, ओ माय गॉड दिस इज वेरी ट्रिकी एक्चुअली. मेरे को एकदम वहाँ पे से दिमाग पे जोर. स्पीड एक मूवी है जो मेरे पापा के साथ मैंने देखी थी और तब मुझे काफ़ी एक्चुअली मूवीज तो देखी होगी, टीवी पे मैं बहुत देखती थी. एक एक मूवी आया करती थी हर हफ्ते, द बर्निंग ट्रेन, वो भी मैं बहुत देखती थी टीवी पे. पर बहुत सारी पिक्चरें देखती थी, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ से पैकअप होते ही मेकअप उतारती हूँ मैं. हाय गाइस, सो ये थी मेरी छोटी छोटी बातें. इसमें काफ़ी छोटी मोटी सीक्रेट्स भी थी जो आपको पता है. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू सास बुआ और बेटिया. हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ. और अब तो आ गए हैं हम आपके व्हाट्सएप पर भी.